हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट टाइम जब मैंने अपना हॉल शेयर किया था अमेज़ॉन का, तो बहुत सारे कमेंट आए थे कि विंटर सीजन स्टार्ट हो रहा है तो कुछ पिक अपने अमेज़ॉन से विंटर सीजन के लिए भी दीजिए। तो इसीलिए आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ विंटर स्पेशल अमेज़ॉन हॉल, और बहुत सारी चीज़ें चूज एंड पिक करके मैंने वहाँ से इकट्ठी की हैं जो आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये वीडियो कोलैबोरेशन है MHS यानी माई हॉल स्टोर के साथ में, तो उनके सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर कुछ भी आपको पसंद आता है आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आप अमेजोन पे रिडायरेक्ट हो जाओगे और वहाँ से जाकर आप इनको परचेज कर सकते हो। तो चलिए हॉल को स्टार्ट करते हैं। आज जितनी भी मैं चीज़ें शेयर करने वाली हूँ वो विंटर स्पेशल ही हैं, सारा विंटर का स्टफ है, बट एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो समर से रिलेटेड हैं, तो विंटर में आप जैकेट के नीचे भी यूज़ कर सकते हो और या फिर समर टॉप तो है ही वो। तो एक दो चीज़ें ही हैं जो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर हम विंटर वाला हॉल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने ये टॉप लिया है जो पर्पल कलर में है, बहुत सुंदर सा ये टॉप है। थोड़ा सा पेपलम टाइप का जो टॉप होता है ना, उस टाइप का इसका डिज़ाइन है इस तरीके से। ये ऑब्वियसली समर कलर ही है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा डिस्काउंट मुझे अच्छा मिल गया था और ये मुझे पसंद भी बहुत था। इसकी जो डिटेलिंग है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पर आप इसका नेक देख सकते हैं, कपड़े पे कुछ इस टाइप का प्रिंट है। ये आपको मिलता है फुल स्लीव्स, और यहाँ पे देखिए स्लीव्स पे कुछ इस टाइप की आपको डिटेलिंग मिल जाती है जो कि बहुत प्रीटी लग रहा है। ये पेपलम टाइप का जो डिज़ाइन होता है इससे आपका थोड़ा सा टमी एरिया भी हाइड होता है, तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो हम जैसी ममीज़ हैं जिनको थोड़ा सा जो टमी रहता ही है, उनके लिए मुझे लगता है ये बहुत परफेक्ट होता है। अगर इसके स्टफ़ की बात करें तो इसका स्टफ़ काफ़ी अच्छा है, ऐसा नहीं एकदम हल्का फुल्का कपड़ा, एकदम थिन जैसा ऐसा कपड़ा नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा थिक करके ही कपड़ा है। इसको ब्लैक कलर के अगर आप ट्राउजर्स वगैरह के साथ या जीन्स के साथ कैरी करते हो तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सेकंड टॉप जिसका कलर पे तो मैं एकदम फिदा हो गई थी जब मैंने इसको देखा, और आई थिंक इसमें और भी सारे कलर ऑप्शंस हैं। तो ये पेस्टल पिंक करके बहुत ही प्यारा सा टॉप है। ये जो हाईनेक टाइप का डिज़ाइन होता है ऐसा कुछ इसका डिज़ाइन है, और इस तरीके की स्लीव्स की डिटेलिंग है जो कि बहुत ही डिफरेंट है, ऐसा कुछ मेरे पास नहीं था। ये इस तरीके से कुछ टॉप है जिसके ऊपर थोड़ा बहुत शेल्फ डिज़ाइन भी है, आप देख सकते हैं शिमरी शिमरी सा इसका कुछ लुक आएगा, और इसके अंदर लाइनिंग भी लगी हुई है। इसका भी कपड़ा ना बहुत हल्का सा नहीं है, काफ़ी गुड क्वालिटी स्टफ़ में है ये, और इसके अंदर कई सारे कलर हैं, मैं भी देख पा रही हूँ, ब्लू है, ब्लैक है, और डिफरेंट शेड में आपको ये मिल जाएगा, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो बस ये दो ही चीज़ें थीं जो समर से रिलेटेड थी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना विंटर स्टफ़, और इसके लिए ऑब्वियसली मैं एक्साइटेड हूँ बिकॉज यही कपड़े पहनने ही हैं हमें लगभग फैब तक। ये सारे जो कपड़े हैं ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, हाफ़ मैंने अपने हस्बैंड के लिए मंगाए हैं, हाफ़ अपने लिए मंगाए हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगी ब्लैक कलर की ये स्वेट शर्ट, ये हस्बैंड के लिए है। ये एक्चुअली वो एक बार पहन चुके हैं तो इसके स्लीव्स वगैरह इस तरीके से मुड़ी उड़ी हैं। ये वाला स्वेटशर्ट ये सेकंड टाइम परचेज़ है हमारा, ये लास्ट ईयर मैंने परचेज़ किया था सेम ब्रांड से, सेम ब्रांड से। कलर दूसरा था, ये वाइट कलर आप बोल लीजिए या ऑफ वाइट कलर में हमने इसको परचेज़ किया था। ये लास्ट ईयर हस्बैंड ने लिया था और उनको इतना ये पसंद आया, उनके ऊपर ये खिलता भी बहुत है और कंफर्ट वाइज वार्मनेस इसकी बहुत अच्छी है। तो लास्ट ईयर ही उन्होंने बोल दिया था कि इसमें मुझे एक और कलर लेना है, बट वो हमने लास्ट ईयर नहीं लिया बिकॉज विंटर ख़त्म होने वाले थे। तो इस साल जैसे ही विंटर स्टार्ट हुआ फटाफट उन्होंने ये एक ब्लैक कलर का ऑर्डर किया। ये बहुत ही कम्फी स्वेटशर्ट है, इसके अंदर ये जो सॉफ्ट वाला वुलन का मटेरियल होता है ना, ये कोजी वाला, ये अंदर है और बाहर की साइड से कुछ ऐसा है। इसमें कई तरह के कलर ऑप्शन हैं जो आप चूज़ एंड सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा लुक देते हैं पहन करके। मतलब ये फेवरेट्स में से एक है मेरे हस्बैंड की, तो ये ब्लैक एंड वाइट दोनों में हो गई है उनके पास। और उसके बाद सेम ब्रांड का, जिस ब्रांड का आपको मैंने अभी ब्लैक स्वेटशर्ट दिखाया उसी सेम ब्रांड से मैंने ये सेकेंड स्वेटशर्ट ऑर्डर किया है। ये काफ़ी बेसिक सा है, ये डबल ट्रिपल कलर में मैं बोलूँगी, नेवी ब्लू है, फिर रेड है, और इस तरीके से ऊपर ये ऑफ वाइट कलर है। ये हुडी है बेसिकली, तो हुडी ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे, तो बहुत पसंद है। इस तरीके से स्लीव्स में डिटेलिंग है, इसमें पॉकेट्स भी हैं, और क्योंकि हम ये सेम ब्रांड का स्टफ़ यूज़ कर चुके हैं तो हमें इस पर ट्रस्ट भी है। और बिलीव मी, इसको इतने अच्छे रिव्यूज़ मिले हुए थे ना,
आई थिंक ओवर 500 लोगों ने इसको 4.5 स्टार दिए हुए हैं और बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ लिखे हुए हैं, तो फटाफट मैंने ये ग्रैब कर लिया। उसके बाद ये थोड़ा सा ऑफ ब्लैक कलर में मैंने ये एलन सोली का लिया है, इसको भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले हुए हैं। इसको ओवर 10,000 लोगों ने 4+ स्टार दिए हुए हैं और रिव्यू भी इसके काफ़ी अच्छे थे। तो ये ऑफ ब्लैक टाइप का है, बहुत ही डार्क ब्राइट ब्लैक नहीं है। और ये स्वेटशर्ट है हुडी वाला, जिसमें आगे इस तरीके से चेन है, बहुत ही बेसिक सा है बट ये बहुत अच्छा लगता है शर्ट वगैरह पे। ऑफिशियल वेयर के हिसाब से भी आप इसको वेयर कर सकते हो, और चाहो तो आप इसको मतलब जीन्स वगैरह के ऊपर भी पहनो तो काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें से एक ऑलरेडी हस्बैंड के पास है ब्लू कलर में, नेवी ब्लू कलर में, वो उनके ऊपर काफ़ी जमता था, इसलिए मैंने ये ब्लैक कलर में मंगाया है। वो वाला दूसरे ब्रांड से, ये मैंने मंगाया है एलन सोली से। मैंने लिए स्वेटशर्ट मंगाई है, जिसमें से पहली स्वेटशर्ट है ये, कुछ उसी टाइप का। इसमें भी आपको डबल ट्रिपल कलर दिखेगा, इसके अंदर नेवी ब्लू वाइट एंड मरून टाइप का, मरून नहीं कहूँगी, ये बैगनी टाइप का कुछ शेड है इसके अंदर। और इस टाइप से ये आगे से चेन वाली है। जितनी भी स्वेटशर्ट है मैं उनका मटेरियल देख रही हूँ, काफ़ी फाइन और अच्छा मटेरियल है, थिक है काफ़ी। इवन ये जो हुडी है ना, ये भी काफ़ी थिक और अच्छी है। मुझे तो पर्सनली हुडी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, मुझे सर में काफ़ी ठंड लगती है, इसीलिए पर्सनली मुझे हुडी वाली चीज़ें, जैकेट्स बहुत पसंद आती हैं। तो पहली स्वेटशर्ट है ये, और इसके अंदर भी जैसे ये आपको कलर डिफरेंट डिफरेंट मिल रहा है ना, वहाँ भी आपको कई कलर ऑप्शन और कई कलर कॉम्बिनेशन में आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद सेम ब्रांड से मैंने एक और स्वेटशर्ट ली है अपने लिए, और ये वाली जो है ये ग्रे टाइप का कलर है, आप देखिए ग्रे कलर है इसका। और ये जो है ये भी आगे से जिप वाली है, हुडी है इसके अंदर। स्वेटशर्ट वगैरह में ज़्यादा कुछ डिटेल में बताने के लिए तो होता नहीं है, बस उनका कलर और पैटर्न, मतलब चेन वाले हैं बिना चेन वाले हैं वो डिपेंड करता है। बाकी स्टफ इसका अभी मतलब छूने में बहुत ही फाइन लग रहा है, एकदम जो कहते हैं ना फाइन वाला कॉटन टाइप का स्टफ है इसका, कॉटन बेस है ये। तो एक हुडी ये है, और जितने भी मैंने अपने लिए स्वेटशर्ट खरीदे हैं ये तीनों एक ही ब्रांड से हैं, सिंबल ब्रांड से हैं ये। और ये वाला जो स्वेटशर्ट है ये थर्ड है, जिसका कलर सी पिंक है, ये पीच भी नहीं कहेंगे और थोड़ा पिंक पीच इनके बीच का कलर है, जिसका कलर डिटेल में था कि ये सी पिंक कलर है। ये वाला कलर मुझे बहुत पसंद आया, पेस्टल टाइप का कलर है और बहुत सुंदर लग रहा है। ब्लैक कलर की जीन्स या ट्राउज़र के साथ बहुत अच्छा जाएगा, विद ब्लैक कलर की एसेसरीज, जैसे मैंने अपनी वॉच इसके साथ पहनी है। और ये वाला छोटा सा डक टाइप का जो बना हुआ है ये मैंने पहना है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। लास्ट ईयर मैंने इसको परचेज़ किया था, तब से मैं पहन नहीं पाई इसको, क्योंकि ये जनरली इस टाइप के आउटफिट पे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये भी फर्स्ट टाइम मैंने पहना है, और ये भी मैंने अमेज़ॉन से लिया था। बट चलिए फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं, और अब मैं दिखाती हूँ आपको ट्रैक पैंट। ये वूलन वाली ट्रैक पैंट है, मुझे तो भाई बहुत ठंड लगती है, और इसीलिए मैं मेक श्योर रहती हूँ कि विंटर के लिए मेरे पास प्लेंटी ऑफ ट्राउज़र्स हों वूलन वाले। इवन मैं उनके अंदर भी, जब वो कड़ाके की ठंडी हो जाती है तो अंदर भी वार्मर पहन के फिर ऊपर से वूलन के ट्राउज़र पहनती हूँ। वूलन के सॉक्स होने चाहिए, अच्छे से कान ढकने के लिए होना चाहिए। तो मुझे ज़्यादा ठंड लगती है तो मैं पूरा इंतज़ाम करके रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उसी इंतज़ाम में एक एडिशन किया है, बहुत ही प्रिटी से कलर में, ये भी पिंक, पिंक ही कहेंगे वैसे तो इसको, ये पिंक कलर का ट्रैक पैंट है वूलन में। इसमें मिलते हैं आपको काफ़ी डीप पॉकेट्स, और इस वाली ट्रैक पैंट में भी ना आपको ढेर सारे कलर ऑप्शन मिलते हैं, ब्लैक है, रेड है, कई तरह के कलर हैं, बहुत सारे कलर ऑप्शन थे, बट मुझे तो यही बहुत प्रिटी लग रहा था, बहुत अच्छा लगा। तो मैंने, विंटर्स में मेरे पैर ना जल्दी गर्म नहीं होते हैं तो उसके लिए सॉक्स तो मैं यूज़ करती ही हूँ, साथ में मैं यूज़ करती हूँ ये वाले स्लीपर्स घर में पहनने के लिए। तो लास्ट ईयर भी मैंने ख़रीदे थे बट उनमें से कुछ ख़राब भी हो गए। ये वाले बहुत अच्छे रिव्यूज़ के साथ में है अमेज़ॉन पे, और बहुत ही कोजी हैं, मतलब ये काफ़ी अच्छा स्टफ़ है। जो लास्ट ईयर मैंने मंगवाए थे वो देखने में बहुत सुंदर थे, लेकिन वो अच्छे उतने चले नहीं, एक ही सीज़न में ख़राब हो गए। लेकिन ये वाले का जो स्टफ़ है और इसकी रेटिंग बहुत अच्छी थी, यहाँ पे ये जो स्टफ़ यूज़ किया है बहुत अच्छा लग रहा है। साथ ही ये जो है ना, ये बहुत सॉफ्टनेस देता है, एकदम हग कर लेता है आपके पैर को। और यही स्टफ़ यहाँ अंदर भी पूरा अंदर तक यूज़ है फुल, तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्म, अच्छे से वार्म रखने वाला है आपके पैरों को, और बहुत ज़्यादा कम्फी भी रखने वाला है। तो ये मेरी एक ज़रूरत की चीज़ है जो मेरे पास होनी ही चाहिए, तो एक ये मैंने ऑर्डर किया है। लास्ट टाइम मैंने आपसे हैंडबैग शेयर किया था ना, और मैंने कहा था मज़ा नहीं आया मुझे, मतलब जैसा चाहिए था वैसा नहीं मिला, तो फिर मैंने उसको रिटर्न कर दिया था। और मैंने ये वाला इस बार हैंडबैग ऑर्डर किया है, जो कि बिल्कुल हर काम के लिए बहुत अच्छा है। इवन
इसके साथ मैच भी कर रहा है, आप इसको ऐसे भी कैरी कर सकते हो, हाथ में भी कैरी कर सकते हो। और ये चैन इस तरीके से दी हुई है कि इसको आप एज अ स्लिंग भी कैरी कर सकते हो, ऐसे फुल अगर आपको लेना है या फिर क्रॉस बॉडी लेना है इस तरीके से, तो आप ऐसे भी इसको कैरी कर सकते हो। तो इस बैग के अंदर भी आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल रहे हैं, बहुत सारे, बट मुझे ये थोड़ा डिफरेंट लगा और एक अलग से ही मतलब पॉप आउट करेगा अगर किसी भी ड्रेस के साथ आप इसको डालते हो, अलग से ही दिखेगा। बिकॉज ब्लैक, ग्रे, मरून, ये सारे शेड बहुत ही नॉर्मल से हैं, बट ये थोड़ा डिफरेंट है। और इसमें क्या क्या है यूटिलिटी के लिए, यहाँ एक चेन मिली हुई है आपको, तो यहाँ पे आपका कैश वगैरह थोड़ा बहुत रख सकते हो। इसके अंदर ना आपको बहुत ही छोटे छोटे से अलग अलग कंपार्टमेंट टाइप के दिए हुए हैं दो। सबसे पहला तो ये यहाँ पे है जिसके अंदर आप ऐसे छोटी मोटी पेपर टाइप की चीज़ें या कैश हो गया वो यहाँ पे रख सकते हो, क्योंकि एकदम ऐसे मिला हुआ है। उसके बाद ये बड़ा कंपार्टमेंट है जिसके अंदर आप अपना वॉलेट, मोबाइल, अपना चश्मा ये सब डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये साइड में ना एक आपको चेन दी हुई है जिसके अंदर आप कुछ भी अपने जो वैल्यूबल आइटम होते हैं ना, जिनको आपको थोड़ा संभाल के रखना होता है, जैसे कार्ड हो गया, कुछ ज़्यादा कैश है वो सब हो गया, वो आप रख सकते हो। तो ये बहुत ही प्रिटी सा बैग है जिसकी चेन वगैरह भी बहुत सुंदर है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो एक ये ऑर्डर किया है मैंने। विंटर में वूलन कपड़े पहन के हम अपने आप को ठंड से बचाते हैं और अच्छा सा स्किन केयर करके अच्छे अच्छे प्रोडक्ट से हम अपनी स्किन को भी प्रोटेक्ट करते हैं, तो इसीलिए मैंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी इसके साथ मंगाए हैं जो हमारी मदद करने वाले हैं विंटर सीजन में, हमारी स्किन के लिए हेल्प करने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हैंड क्रीम। हम बॉडी लोशन तो लगा लेते हैं दिन में एक बार या दो बार और पूरा दिन वो लास्ट कर जाता है, लेकिन जो हमारे हाथ होते हैं ना, इनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, बिकॉज़ हम लोग दिन भर पानी में काम करते रहते हैं, बार बार हाथ धोना होता है, बार बार कभी सैनिटाइज़र यूज़ करना पड़ता है, तो कभी साबुन से धोना पड़ता है, कितनी बार हम दिन में हाथ धोते हैं हमें पता ही नहीं होता। तो ऐसे में हाथ धोने के बाद अगर हम कुछ लगाए नहीं हाथों पे, तो विंटर्स में तो हाथों की एकदम बैंड बच जाने वाली है, तो इसीलिए एक बहुत अच्छी सी हैंड क्रीम जो बहुत ही नरिशमेंट दे आपके स्किन को, खासकर आपके हाथों को, वो बहुत ज़रूरी है विंटर में। समर में चाहे एक बार को हैंड क्रीम स्किप हो जाए, लेकिन विंटर्स में हैंड क्रीम और फुट क्रीम बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो यहाँ पे जो मेरी फेवरेट हैंड क्रीम है वो है एम कैफिन की नेकेड एंड रॉ कॉफ़ी हैंड क्रीम। ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत नरिशिंग है, एकदम चिकनाहट आपके हाथों को दे देती है, और साथ में जो इसकी खुशबू है ना वो अनदर लेवल है। इतनी प्यारी इसकी खुशबू आती है ना कि आपको खुद मन करेगा थोड़ी थोड़ी देर पे अपने हाथ सूंघते रहो। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ, आप ट्राई करना, आपको बेहद पसंद आएगी। दूसरी चीज़ है बॉडी लोशन, बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो आप सब लोगों को पता है मेरा फेवरेट बॉडी लोशन है निविया का, जिसको मैं लगाती हूँ, बट इस बार मैंने इसकी भी बड़ी तारीफ सुनी थी। ये है डव का बॉडी लव, ये वाला, तो मैंने सोचा इसको ट्राई करते हैं, मंगा के देखते हैं कैसा लगता है, रिव्यू आपसे बाद में शेयर करूंगी। और जब ये सारी बातें हो रही हैं तो अच्छी खुशबू को हम मिस नहीं कर सकते, एक बढ़िया सा परफ्यूम हमें चाहिए ही अपने लुक को इन्हेंस करने के लिए। पता है लेटली मैंने कुछ ऐसे परफ्यूम्स मंगाए हैं जिनकी बड़ी बॉटल मैंने मंगा ली और फिर मुझे वो उतने अच्छे नहीं लगे, अच्छे लगे बट वो कहते हैं ना एकदम जो फेवरेट बन जाते हैं वैसा मज़ा नहीं आया। तो अभी मैं क्या करती हूँ, छोटे छोटे टेस्टर मंगाती हूँ अगर अवेलेबल है तो। जब आप ऐसी चीज़ें ऑनलाइन मंगाते हो तो आप हमेशा रिव्यू और स्टार देखते हो, तो कपड़ों के मामले में तो ये चल जाता है, बैग्स के, शूज़ के मामले में भी चल जाता है, लेकिन परफ्यूम वगैरह ना बहुत ही पर्सनल चॉइस होती है। किसी को बहुत ही हार्ड परफ्यूम पसंद है, किसी को लॉन्ग लास्टिंग पसंद है, किसी को बहुत ही माइल्ड पसंद है, किसी को ट्रॉपिकल जो स्मेल होती है वो पसंद आती है, किसी को फ्लावर वाली पसंद आती है। तो किसने वहाँ पे रिव्यू छोड़ा है परफ्यूम का आपको पता नहीं है। अगर किसी और को पसंद आ रहा है, उसने उसको अच्छे स्टार दिए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको भी पसंद आएगा, तो इसीलिए इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो बेटर यही है कि कोई भी अगर आप मंगा रहे हैं तो छोटा टेस्टर मंगा के देखिए, उसको यूज़ कीजिए, पसंद आता है देन दूसरा मंगाइए। तो अभी मैंने ये स्किन बाय टाइटन, क्योंकि स्किन बाय टाइटन से जितने भी परफ्यूम मैं मंगाती हूँ मुझे पसंद आते हैं, तो मैं रिस्क नहीं लेती, जब भी मंगाती हूँ तो मैं इसी का कोई अलग फ्रेग्रेंस मंगा लेती हूँ, तो ये वाला मेरे पास नहीं था। ये है स्किन बाय टाइटन प्रिस्टीन, कुछ इस टाइप से छोटी सी इसकी बॉटल आती है। इसकी खुशबू ना बहुत ही रिफ्रेशिंग टाइप की है, जैसे आप नहा के निकलो तो शार जेल वगैरह की खुशबू होती है ना, कुछ वैसा इसकी खुशबू मुझे लग रही है। जैसे आप एकदम से कोई नहा के निकलता है तो एकदम फ्रेश वाली खुशबू आती है ना, कुछ वैसा इसका है, बट मेरे लिए चल जाएगा मुझे लग रहा है। तो मैं इसको लगा के देखती हूँ और आगे भी आपको रिव्यू दूंगी मैं इसके। तो यही थी वो सारी चीज़ें जो मैंने मंगाई हैं, इनमें से कुछ भी आपको पसंद आया हो तो उसको आप जाकर बाय कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए आज की ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।